मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने बता रहा हूं। किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसान को, 11 करोड़ प्लस किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है कि नहीं मिलता है? और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काम चला है कि नहीं चला है? सॉयल हेल्थ कार्ड का काम चला है कि नहीं चला है? किसी ने भी अगर किसानों की सुध ली है तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं युवाओं के दृष्टि से बात करूं, कभी कोई सरकार आई थी केंद्र में जो ये कहे कि हम 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां रोजगार मेला के मैदान से लगाएंगे और उनको भारत सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? 10 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट देने का काम किया जा रहा है। मित्रों, शिक्षा के दृष्टि से देख लीजिए, इलाके की दृष्टि से देख लीजिए, विकास के दृष्टि से देख लीजिए, हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। और यहां पर भी मैं आपसे बोलूंगा, जब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि सांबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है 200 एकड़ की भूमि पर और 402 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो रहे हैं? उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में खड़ा हो रहा है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे के लिए 13400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 1214 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मैं अगर पुरी की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा, बताइए जगन्नाथ स्टेडियम 7 करोड़ की लागत से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए यहां पर जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से रेलवे स्टेशन की दृष्टि से पूरी रेलवे स्टेशन 364 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी शिलान्यास होकर के काम शुरू हो रहा है। उसी तरीके से राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय, इसका भी काम पूरी ताकत से चल रहा है। पुरी का कोस्टल हाईवे, इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, इतना काम मोदी जी आपके लिए करें, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि आप अपने दृष्टि से कमल का बटन दबा करके पुरी में भी कमल खिलाइए? इस बात को भी हमको पूरा करना होगा, ये आपको समझना चाहिए।